तो नमस्कार, मेरे यूट्यूब महाविराज लोग में फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। पंचायत भवन में क्या हो रहा है आप सबको दिखा रहे हैं। देखिए, बंसिया पंचायत भवन है, 17 तारीख है। आज चना का वितरण हो रहा है, खरीफ फसल का। देखिए, ये पंचायत भवन है। देखिए, रबी फसल के लिए यहाँ चना वितरण हो रहा है। हम पब्लिक आ रहा है, आधार कार्ड लेके अपने लेके जा रहे हैं। देखिए, यहाँ आधार कार्ड जमा हो रहा है। आप सभी को पंचायत स्वागत किया जा रहा है। उम्मीद है जिस हिसाब से आधुनिक के बीच में हर्ष गए कि खेती में हम लोग का रुचि है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि अभी रुचि रख रहे हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे लाभुक हैं, किसान हैं, वो 100% खेती में ध्यान दें। जहाँ तक ये चराईबंदी का मेरा मन में है, हमारे कैबिनेट के सदस्यों जैसे वार्ड सदस्य, शुभचिंतक जो किसान से चिंतित हैं, खेती से चिंतित हैं, वैसे लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर इतने किसान रुचि लगा कर खेती करेंगे तो स्वतः ये जो खुलेआम जो अपना मवेशियों को छोड़ते हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें पोसने का काम होगा। लेकिन इसमें थोड़ा किंतु परंतु का बात ये है कि अगर मान लीजिए किसान अपना लाभ लेने के लिए सिर्फ बीज के लाभ लेकर वो अगर खेती नहीं करेंगे तो ये दुर्भाग्य है। और ऐसे में पंचायत का डेवलप की बात नहीं है। इसलिए मैं सभी से पुनः निवेदन आग्रह करना, आप लोग बीज अवश्य ले जाएं। और जो भी बीज ले जा रहे हैं वो नाम के हिसाब से आधार कार्ड छोड़ के जा रहे हैं, उनका खेती भी देखा जाएगा किए नहीं किए हैं। अगर वैसे लाभुक, वैसे किसान जो सिर्फ बीज लेके जा रहे हैं और खेती भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर में थोड़ा विचार किया जाएगा कि भविष्य में उसको कैसा लाभ दिया जाए, नहीं दिया जाए। अच्छा, ये जो बीज एक घर से आप कितने किलो बीज का वितरण कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि जैसे हम लोग किसानों का एक्चुअली आधार कार्ड के साथ जो चालू मोबाइल है उसको लाया जाना है, जिसमें OTP आएगी और उसमें से रसीद अनिवार्य है। बहुत सारे किसान अभी हम लोग का रसीद भी नहीं ला रहे हैं, सबका एक ही बिंदी, कोई विभागीय आदमी नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, उचित है, अपने ईमान से काम कीजिए, दिखाइएगा तो हम क्या कर सकते हैं। रही बात है, ये वैसे किसानों को दिया जाना चाहिए वैसे किसान, ताकि 34 कुआं का निर्माण हमारे पंचायत में पूरा चाल सा बिछा हुआ है। अब किसान खेती के उद्देश्य से कुआं को ले रहा है या सिर्फ उसमें मनरेगा के तहत पैसा का लाभ लेने के लिए ले रहा है, ये तो उनकी मंशा अलग है, ये वो सोच सकते हैं। लेकिन सरकार की जहाँ इच्छा है कि सरकार चाहती है कि अगर किसी का जो घर में बैठे हुए हैं रोजगार के लिए अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो कम से कम अपना खेती करके जो जीविका है उसका उपार्जन में उसका सहयोग हो, इसलिए कुआं दिया जा रहा है। और ये चना आवंटन उसी का एक कड़ी है। एक परिवार में कितने किलो चना वितरण करते हैं? ये सबसे पहले तो 4 क्विंटल मिला हुआ है हम लोग का फूल आवंटन। उसमें से हम लोग का जो पूरा ओवरऑल पंचायत है, ओवरऑल पंचायत में वैसे किसानों को जैसे कि हम लोग मान के चलते हैं कि 4 क्विंटल 4 आदमी उठाए हैं, 4 आदमी उसका उठाव किए हैं, तो उसके बाद उठाव तो एक आदमी भी कर सकता है OTP दे के। लेकिन उसी मैंने लाभुक के हिसाब से, किसान का संख्या बढ़ने के हिसाब से उसका रेशियो में डिवाइड करके मैंने संपूर्ण किसानों को दिया जाए, ऐसा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। तो ये जो आप चना का वितरण कर रहे हैं, ये सिर्फ वितरण तक ही रहेगा कि हमारे खेतों में दिखेगा? इसके लिए आप क्या कहना? किसानों से ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि वो अधिक से अधिक अगर खेत में अगर नहीं लगाने के लिए ले जा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। और ये अपनी ईमान जो है वो ईमान के हिसाब से काम नहीं है कि आप सिर्फ लाभ ले रहे हैं, लेकिन लाभ जो वास्तव में इसका चना बो के होना चाहिए, ये अगर नहीं कर रहे हैं तो दुर्भाग्य है पंचायत का। अच्छा, ये जो चना वितरण हो रहा है इसमें आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं कि किसान ये चना लेके घर जाए कि इसको चना लेके अपने खेतों में इसको उपजाएं?
ताकि लाभ मिले। देखिए, मैं पुनः आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, किसानों से, पंचायत के समस्त जितने भी हमारे किसान भाई हैं, सभी से पुनः आग्रह है कि आप लोग ये चना का जो ये एक नमूना है, चना के बाद भी हमारे पास गेहूँ आने वाला है, नेक्स्ट ईयर में हम लोग का मसूर मिलने वाला है, तो ये जो खेती का एक नमूना है, ये स्टार्टअप है, आप इसको अगर अच्छा तरीके से मैंने ठीक ढंग से कीजिएगा तो आने वाला दिन में हमारा पंचायत सबसे अलग होगा। यहाँ पे जो एक प्रमुख समस्या है कि जैसे अभी धान की कटाई अभी हो गई तो सारे गांव के लोग अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं, तो अगर इसमें अगर चना वो लगाते हैं तो ऐसे में तो फसल रहेगी ही नहीं, चर जाएगी। इसलिए आप क्या ग्रामीणों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो उत्साहित हैं कि इतने किसान जब रुचि बीज ले जाने में कर रहे हैं, तो ये तो संगठन हुआ, यही तो एक किसान का एक इकाई हुआ। अगर इतने किसान जो बीज लेने के लिए इच्छुक हैं, तो क्या वे अगर इतना किसान चाहेंगे तो क्या ये चराईबंदी बंद नहीं हो सकता है क्या? जरूर अवश्य हो सकता है। इसलिए सभी को मन में सोच लेना चाहिए कि हम जिस तरह से अपना हम लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह अगर हम लोग चराई में भी मवेशियों को खुला में न छड़ने के लिए अगर हम लोग एकत्रित हो जाएंगे तो संभव तो भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तत्पर रहते हैं और फिर आपको धन्यवाद जोहार। फिर अब अन्य हम लोग ग्रामीणों से जानते हैं कि किस तरह से हमारे सर हैं, बहुत योजना का लाभ के बारे में दो सब बोलिए कुछ। ये बहुत अच्छा लाभ लेने के लिए हम लोग का पंचायत में ये प्रोग्राम किया गया है, जो खेती हम लोग सही ढंग से करें आने वाला दिन में हम लोग का बहुत लाभ है। ঠিক আছে, ফসল উপজাবে তাই तो खेते उपजाबे तो हाँ, लेकिन बाबू यहाँ गाँव के लोग गोरु छाके के छोड़ती ना नहीं उठा तो देखा है, पर हमरे के उगला अपन से उठे तत्पर रहे हुई कि हमरे कितना तत्पर रहले नहीं। अच्छा, समझा भी कसने कोनो रकम कोरी के। अच्छा, ई चनाड़ पाए के तो तोके बहुत खुशी लागत है? हमरे के वर्तमान मुखिया के इकल द्वारा जमा कर वितरण करल गेल, बहुत खुशी आई कि आजू पहिले ऐसा कोनो प्रोग्राम हमरे पास नहीं आए रहे। अच्छा, अच्छा सुने माने आए कि अगर गेहूं कर क्यों फसल उपजाए चाहे ना तो गेहूं नेक्स्ट बार पवाने वाले सुनी ना हम सुन। अच्छा अच्छा, चना खेती जे करी के फसल कर भारी से भारी मात्रा माने उपजा कोशिश करना है, है ना? एकदम एकदम ठीक है, दे रहे हैं इसी गिरा लेंगे हो चना दे रहे हैं। हां, तो चना क्यों दिया जा रहा है कभी पूछे हैं मुखिया साहब से? नहीं, तो इस चना का बीज के लिए दिया जा रहा है, तो आप इसको अपने खेतों पे लगाइएगा उसके चलते यहाँ, तो इसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ आधार कार्ड जमा हो रहा है, तो चना वितरण का यहाँ काम चल रहा है। देखिए, यहाँ चना वितरण हो रहा है, देखिए इस तरह से हमारे गांव में चना वितरण हो रहा है, यहाँ एंट्री हो रहा है हमारे गाँव, देखिए एंट्री हो रहा है यहाँ पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।